श्री परमात्मने नमः। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह मनुष्य जाति समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य जाति के मधु हैं। यह जो इस मनुष्य जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस श्रुति द्वारा बतलाया गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं। यह जो इस आत्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस वाक्य से कहा गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है, वह यह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति एवं समस्त भूतों का राजा है। इस विषय में दृष्टांत जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की नेमी सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त जीवन और ये सभी आत्माएं समर्पित हैं। सभी उस परमात्मा से जुड़े हुए और उसी के सहारे स्थित हैं। इस पूर्वोक्त मधु को दधंग अथर्ववर्ण ऋषि ने अश्वनी कुमारों से कहा था। इस मधु को देखते हुए ऋषि मंत्र ने कहा, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है उसी प्रकार हे नराकार अश्वनी कुमारों, मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र दंश कर्म प्रकट किए देता हूँ, जिस मधु का दधद अथर्ववर्ण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के सिरे से वर्णन किया था। उस इस मधु का दधग्य अंग अथर्ववर्ण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश दिया। इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दृष्टा ने कहा, हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों अथर्ववर्ण दधग्य अंग के लिए घोड़े का सिर लाएं। उसने सत्य पालन करते हुए तुम्हें त्वष्ट्रा सूर संबंधित मधु का उपदेश किया तथा हे शत्रु हिंसक, जो आत्मज्ञान संबंधित गोपनीय मधु था वह भी तुमसे कहा। इस पूर्वोक्त मधु का दधत्य अंग अथर्ववर्ण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि ने कहा, परमात्मा ने दो पैरों वाले शरीर बनाए और चार पैरों वाले शरीर बनाए। पहले वह पुरुष परमात्मा पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरुष शरीरों में पुरुषीय है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से ना ढका हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें परमात्मा का प्रवेश ना हो, जो उससे व्याप्त ना हो। इस पूर्वोक्त मधु का दधर अंग अथर्ववर्ण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। यह देखते हुए ऋषि ने कहा, वह रूप रूप के प्रति रूप हो गया। इसका वह रूप प्रतिख्यापन प्रकट करने के लिए है। ईश्वर माया से अनेक रूप प्रतीत होता है। शरीर रूप रथ में जोड़े हुए उसके घोड़े 100 नाड़ियाँ और 10 इंद्रियाँ हैं। यह परमेश्वर ही हरि इंद्रिय रूप अश्व है, यही 10 सहस्त्र अनेक और अनंत है। वह यह ब्रह्म अपूर्व कारण रहित अन पर कार रहित अनंतर विजातीय द्रव्य से रहित और अबाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है, यही समस्त वेदांतों का अनुशासन उपदेश है। श्रेष्ठ ब्राह्मण मधु विद्या की परंपरा का वर्णन। अब मधु कांड का वंश बतलाया जाता है। पौतिमाशिने गोप वंशे गोप वनेन पौतिमाशेष पौतिमाशेन गोप वंशे गोप वनेन कौशिक से कौशिक कनेन कौंडिन्य से कौंडिन्यनेन सांडिल्य से सांडिल्य ने कौशिक से और गौतम से गौतम ने अग्निवैश्य से अग्निवैश्य ने सांडिल्य से और
अनाभिलता से, अनाभिलात ने अनाभिलात से, और आनभिलात ने आनभिलात से, आनभिलात ने गौतम से, गौतम ने सदैव और प्राचीन योग से, सदैव और प्राचीन योग ने पराशर से, पराशर ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने भारद्वाज से और गौतम से, गौतम ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने पराशर से, पराशर ने वैजवापायन से, वैजवापायन ने कौशिकायनी से, कौशिकायनी ने घृत कौशिकी से, घृत कौशिकी ने पराशरयान से, पराशरयान ने पराशर से, पराशर ने जातुकर्ण से, जातुकर्ण ने आसुरायण से और यासक से, आसुरायण ने त्रैविण से, त्रैविण ने औपजंधिनी से, औपजंधि ने आसुरी से, आसुरी ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने आत्रेय से, आत्रेय ने माटी से, माटी ने गौतम से, गौतम ने गौतम से, गौतम ने वात्स्य से और वात्स्य ने सांडिल से, सांडिल्य ने कैशोरकाप से, कैशोरकाप ने कुम्हार हारित से, कुमार हारित ने गालव से, गालव ने विदर्भी कौंडिन से, विदर्भी कौंडिन ने वत्सनपात बाभ्रव से, वत्सनपात बाभ्रव ने पंथा सौभर से, पंथा सौभर ने आयास आंगिरस से, आयास आंगिरस ने अभिभूत त्वष्ट्र से, अभिभूत त्वष्ट्र ने विश्वरूप त्वष्ट्र से, विश्वरूप त्वष्ट्र ने अश्वनी कुमारों से, अश्वनी कुमारों ने दाधांग अथर्ववर्ण से, दाधांग अथर्ववर्ण ने अथर्वादैव से, अथर्वादैव ने प्राधवसन मृत्यु से, प्राधवसन मृत्यु ने प्रधवसन से, प्रधवसन ने एक ऋषि से, एक ऋषि ने विप्रचित से, विप्रचित ने वेष्टि से, वेष्टि ने सनारु से, सनारु ने सनातन से, सनातन ने सनग से, सनग ने परमेष्ठि से और परमेष्ठि ने ब्रह्मा से इसे प्राप्त किया। ब्रह्मा शंभु है, ब्रह्मा को नमस्कार है। द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।